हेलो एवरीवन, माय सेल्फ गौरव शर्मा। तो टुडे वीडियो इज रिगार्डिंग द जो आरबीआई है। तो आरबीआई का आपने लोगो देखा होगा। तो अगर हम आरबीआई का लोगो देखते हैं तो इसमें देखो यहाँ पे क्या है, इज द वन टाइगर एंड द पॉम ट्री। तो एक टाइगर है और पॉम ट्री है इसके अंदर। तो व्हाट व्हाई दिस लोगो, क्या हिस्ट्री है इस लोगो के पीछे जो ये आरबीआई का लोगो है। तो आरबीआई का जो लोगो है, आरबीआई का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इनकॉर्पोरेट हुआ था आरबीआई, तो इस अराउंड 1935। उस टाइम पे क्या था, ब्रिटिश कंट्री, ब्रिटिश का राज था। मतलब इंडिया क्या था कि ब्रिटिश के अंदर ब्रिटिश ने कंट्रोल किया हुआ था। तो एट दैट टाइम जो आरबीआई था उसका जो नाम था वो फेडरल करके कुछ था। तो जब ये, अब क्या था इसके अंदर कि इसमें एक लोगो डिसाइड करना था। तो एट दैट टाइम पे क्या हुआ कि एक लोगो जो था ये वाला आइडिया लिया गया विद द कि जो ब्रिटिश के कॉइन चलते थे, जैसे हमारे रुपीस के कॉइन होते हैं, ऐसे ब्रिटिश के कॉइन होते थे, उन कॉइन्स पे क्या था, अगर इस कॉइन को देखोगे ब्रिटिश का कॉइन है, तो यहाँ पे क्या है, टाइगर की जगह लॉयन है। पर टाइगर क्या है, वो रिप्रेजेंट करता है इंडिया को। तो फैमिलियर करने के लिए विद इंडिया इस लॉयन को रिप्लेस कर दिया टाइगर से। तो ये इस तरीके से हमारे जो लोगो है आरबीआई का वो अडोप्ट किया गया। तो ये देखो ये कैसे हिस्ट्री मतलब बनी कि फोर्नर ने कुछ छोड़ के गया, उसने हमने उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हमने इस लोगो को अडॉप्ट कर लिया। तो ऐसी और हिस्ट्री की वीडियो देखने के लिए आप मुझे लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। थैंक यू।